हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई नईम अंसारी, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंसारी ब्लॉग 1974 में। जैसे कि आज हम डायमंड हॉल पर आ चुके हैं, डायमंड हॉल पर एक बहुत ही बड़ा सेरेमनी होने वाला है, थाने इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, उसी के तर्ज पे आज ये सेरेमनी होने जा रही, जिसमें मेरी डॉटर भी है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब बच्चियाँ पास होंगी। आज सबको बाकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा, नर्सिंग डिग्री वगैरह जो भी देना होगा ये देंगे। तो यहाँ का माहौल देखिए आज ऐसा है। इंशाल्लाह प्रोग्राम शुरू होगा, आप बने रहें मेरे वीडियो में। ये बच्चियाँ तैयार हो रही हैं, माशाल्लाह बच्चियों की। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं यार, सब लोग थोड़ा सा बिजी हैं, टीचर्स तो अभी आते ही होंगे, और हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं गिरफ से। और हम लोगों ने एक फाउंडेशन तैयार की थी, एक ये स्पीकिंग फाउंडेशन एनजीओ है, उसके तहत से बाद में ये चिप्स फॉर्म हुआ था, थानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, जो कि कुछ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन लोगों ने मिलकर ये तय पाया था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट हमको चलाना है जहाँ पर लड़कियों के लिए ऐसे कोर्सेज हो जिसमें वो अदर देन सिलाई, बेकिंग, घरेलू कोर्सेज के अलावा भी कुछ और कोर्सेज कर सके, अलग अलग फील्ड में जा सके, तरक्की हासिल कर सके। तो ऐसे कोर्सेज हमने पैरामेडिकल कोर्सेज के जरिए स्टार्ट किए, उसमें से हमारे यहाँ पर चार बैचेस कम्प्लीट हो चुके हैं, डीएमएससी के भी एंड नर्सिंग के भी। वी हैव कम्प्लीटेड अवर 3 कॉन्वोकेशंस, नाउ दिस इज अवर 4 कॉन्वोकेशंस, एंड हम Come on, guys. I'm getting a lot of money fired.
another chief is Dr. Mudassir Bhati. He is consultant, head and neck oncosurgeon in Mumbai. He was in past working in Tata Memorial Hospital. One thing in the gap is, he is the only oncosurgeon all over Maharashtra who is an oral surgeon and working on oncosurgeries, exclusively on oncosurgeries. He doesn't work other than oncosurgeries. He is the only. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग टू ऑल। डायरेक्टर बैठे डॉक्टर मोहम्मद रफी भाटी साहब, रनर ऑफ द मोहरा और रनर ऑफ द महाराष्ट्र डॉक्टर श्री नाथ साहब। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सारे मेहमान जो बैठे उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम अर्ज हो, और जितनी बच्चियाँ बैठी हैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत अल्लाह ताला जिंदगी में आप लोगों को बहुत तरक्की दे, उसके आवाज़ बैठी हुई है। चलिए भाजन लेके आ रही हूँ मैं, इसलिए आवाज़ मैं सुल्तान प्रधान को मिलकर आई हूँ। बहुत अच्छे इंसान है, वो भी 100 मरीज वो फ्री में देखते। ऐसा आप लोगों से कुछ लोग ऐसे बनो कि ऐसे बड़े बड़े काम करो कि आप लोगों को भी दुआएं लगे और तरक्की करो आप लोग भी। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बस थोड़ा नहीं शुक्रिया। और डॉक्टर अमीर और डॉक्टर कुबेर, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हो, इन लोगों के लिए दुआ करिए कि बहुत और बड़ा काम करिए। चलिए अल्लाह हाफिज। मेरा नाम शेख इरशाद है और मैं कंपनी का को फाउंडर हूँ। उससे पहले तो शुक्रिया था डॉक्टर रमीज का और तमाम लोग जो पैनल पर बैठे हैं, हमारे गेस्ट परफॉर्मर्स, बहुत अच्छी अच्छी बातें शुरू होने के लिए। लेकिन मैं आप सब स्टूडेंट से, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मैं काफ़ी सवाल ही करूँगा। आपने अपनी जिंदगी के सफर के लिए कार्य पर स्थिति तो हासिल कर लिया है, आगे ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको हमेशा आपके पास रखती है, अगर आप बता सकते हैं। सवाल कर सकता हूँ ना आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुदस्सर हूँ और डॉक्टर रमीज साहब का अच्छा दोस्त भी हूँ। अच्छा नहीं बैठ गया अल्लाह का नाम। थोड़े से कुछ पॉइंट्स में बताया, मैं अपने आप मुझे अपने बारे में बताना चाहूँगा। तो मैंने BDS किया, फिर MDS किया, उधर सर्जरी में करना रखा। उसके बाद मैं 3 साल मैंने टाटा हॉस्पिटल में काम किया और अलहमदिल्ला 2 बार जर्मनी यूनिवर्सिटी से ट्रेंड हूँ। ओके, तो मैं आपको मुझे बता दीजिए क्या हो गया, पानी दे रहा है। उसके बाद हमको ये साफ करने आप मेरे बच्चे के अंदर बैठे के अंदर कुछ आई अभी पानी दिया उसने रोजाना देना शुरू कर दिया बच्चे ने। क्या कहा अच्छे हम अपने वाले की इज्जत करते, उस्तादों की इज्जत करें। उस्ताद किसको मानना है, हम ये समझते हैं कि भाई जो हमारे स्कूल में पढ़ाने वाले और जो कोई हमारे ये दोनों प्रोग्राम को कम्बाइन किया गया है, फिर हम मेरे उस्ताद बैठे हैं इस वजह से और उनके सामने कुछ कहना। एक शेर ये कहूँगा कि एक दिन जूते सीधे कर दिए थे उस्ताद के, एक दिन जूते सीधे कर दिए थे उस्ताद के, उसका नतीजा ये निकला कि किस्मत सीधी हो गई। तो ये मेरे उस्ताद मालिक मोहम्मद नासिर।
I would like to call upon stage Ms. Chetani Tia. Please, doctor, please, doctor. Doctor, answer your name, sir. Thank you.
पीछे इतनी मेहनत कर ली कि पता चला बच्चे लड़के पीछे रह गए। पहले ये देखा जाता था कि 100 के पीछे दो पांच लड़कियां रहती थी, लेकिन अब मालूम पड़ा कि 500 के पीछे बेचारा वो अकेला बच्चा बैठा। ये दर्द है, ये दर्द है कि हमने किसी चीज पे इतनी मेहनत कर ली कि वो बहुत आगे चले गई और किसी को शायद नजरअंदाज कर दिया, या तो ऐसा भी हो सकता है कि नजरअंदाज। तो सर आप लोगों से, आप मेरे बड़े हो, उस्ताद हो, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सर वो पुराना वाला माहौल थोड़ा सा हमें वापस देखने मिल जाए, एक। और दूसरा, आप बच्चों से एक जरा एक भी ध्यान से सुन लीजिए, एक दर्द है वो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। अभी सच्ची फेक में अक्सर क्या होता है कि मेरी वादा पौने चार महीना खालसेकर हॉस्पिटल में एडमिट थी, और उसके अलावा कुछ तालियों की आवाज तो निकम थी, थोड़ा और तेज बजा था। क्या आपको पता है पूरा एक साल रेगुलर पढ़ाई करके आज ये डिप्लोमा हासिल किया है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। एक बार और जोर से तालियां बजा दें। ये तालियां उन माँ बाप के लिए है जो माँ बाप अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में पढ़ाई करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट को और दीगर इंस्टीट्यूट में भी पढ़ने के लिए, अच्छी तालीम के लिए माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं। एक बार और जोर से तालियां बजाएं, जोर से। ये तालियां हमारे तमाम मेहमान जो यहाँ बैठे हैं, ये तमाम मेहमानों के लिए जो संडे के दिन, जैसा कि हमारे एक गेस्ट फरमा रहे थे कि ये संडे का दिन जो है फैमिली टाइम होता है, और ये तमाम लोग संडे के बिजी शेड्यूल में से निकाल के हम लोगों के लिए निशावर किए, आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार एहसान अनुभव है। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, मैं अक्सर इंट्रोडक्टरी क्लास में बोलता हूँ और आज मैं वापस बोल रहा हूँ कि अल्लाह की लाखों मखलूक में से सबसे
अशरफ मखलूक, अशरफुल मखलूकात कौन है? इंसान है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। और उस अशरफुल मखलूकात के सेहत के लिए काम करने वाले उनमें से भी अशरफ होने चाहिए, तभी तो काम हो पाएगा। क्योंकि अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है बतौर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के, कि हम अपना काम बेहद ईमानदारी के साथ करें। मैं इस मौके पे तमाम गेस्ट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम फैकल्टीज का, उसका मिस्टर डेडिकेशन, सोफिया मिस्टर डेडिकेशन, परीम मिस्टर डेडिकेशन, सबके डेडिकेशन से, डॉक्टर खुदा जो एग्जामिनेशन कंट्रोल करते हैं और प्रैक्टिकल कंट्रोल करते हैं, बहुत बेहतरीन। मैं शफकत और तहजीब मिस्टर जो आप लोगों से कभी कभी रिव्यू बताते होंगे डिस्कशन में, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन देना कई बार, और ये जरूरी है अपनी के लिए कि अच्छे बच्चे मुदसर पार्टी छत्तीसगढ़। Thank you sir for coming, for giving me valuable time for us. We have actually replaced everyone like everything and that for the Chota Sat Memorial Festival. Mudassir Bhatti sir, request है कि उसना भी इसको एक छोटे का मोमेंटो पेश किया जाए। बहुत ही इंप्रेसिव स्टाइल ऑफ टीचिंग है इनकी, बच्चों को बहुत प्रैक्टिकली सिखाते हैं। मैं उषा मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैम चार साल से लगातार हमारे यहाँ बने हुए हैं। मैं अपने दोनों नॉन टीचिंग फैकल्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर आए, और इन लोगों का अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको छोटा सा टोकन लेके अप्रिशिएट किया जाए। ऐसे ही बच्चों ताली बजा दीजिए इनके लिए, बहुत मेहनत के लिए। शफकत प्लीज आप। मैं डॉक्टर नईम खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर अख्तर सर, डॉक्टर रशद, आप तमाम लोग आए। और अब एक लास्ट चीज है, हम लोग एक ग्रुप फोटो लेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, खाने का इंतजाम वो हो जाएगा उसके बाद। ग्रुप फोटो लेने के लिए बच्चे आगे आ जाए लाइन में इधर। Distinguished guests, my fellow graduates, assalamu alaikum.
से पहले डिटरमिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन एंड कन्विक्शन के साथ तय किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह साबित करनी और इस्तेकाल के साथ तय कर लिया है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको समंदर तो दरिया तलाश कर। I would like to highlight a very crucial topic जो हम सबको आपस में एक साथ मजबूत करती है। मेरा मजमून है एक सेहतमंद माशरे के माहिरी अमराज नुस्खा की अहमियत और उसके खिदमात और किरदार। Engineering and technology, law and services, media and IT, and many more. But I decided to choose this medical field because of Dr. Hubert sir. Thank you so much. A big hand of applause for him for giving me such a wonderful opportunity to be a part of this institute. अहमियत कितनी है सेहत की बताया हमने, अहमियत कितनी है सेहत की बताया हमने, जिंदगी तो का है रब का जो बचाया हमने। अब आइए कुरान के कुछ वर्ड्स देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाता है। वमन अहयन्ना फकअन्नमा अहयन्नास जमीअ, मतलब जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने इंसानियत की जान बचाई। जैसे ही मैंने अपना ये ईयर मुकम्मल किया मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि हम कितने अहम किरदार के हामिल बचे। एंड माय डियर फेलोज अमेजिंग बैच 2024, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, गुड इवनिंग, आई होप यू ऑल गेट। आई एम रबा पाल मोहम्मद रफी, नर्सिंग असिस्टेंट, द ब्लेस स्पार्कल इन द हॉल टुडे एंड द जॉय of institute achievement and the correct efforts to get it together. You guys did it. We all did together. A multi congratulations to all. So proudly say today, Dr. Bhubert sir gave me the biggest opportunity to choosing my career that I made best decision in Thane Institute of Paramedical Science. Getting opportunity to learn, grow, same platform. So whatever we are, just because of Dr. Ramesh sir, Dr. Bhubert sir, and two pretty women, Dr. Samreen Miss and Dr. Hutna Miss. Your inspiration and knowledge, indeed, you are the kingmaker. Thank you so much to all. आखिर में एक शायर क्या खूब कहता है कि ये कामयाबी, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। खुदा ने मुझे जो भी बख्शा वो मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से खिलते हैं लहू में मेरे गुलाब, तुम्हारे दम से लहू में ये खुद खिलते हैं मेरे गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। बहुत ही प्यारे और बाजुबून और एहतराम वालिदैन, आप तमाम मेहनत के बयास आज हम इस मकाम तक पहुंचे हैं और हमारे पास अल्फाज नहीं कि आपकी मेहनत बयां कर सके, और अगर अल्फाज मिल भी गए तो किताब